वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, को स्किप ना करें। सबसे पहले बात करते हैं सीसीएसयू के बारे में। जहाँ तो विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षाएं आज से शुरू। आपको बता दूं कि कांवड़ यात्रा के चलते टल गई थी कई कोर्सों की परीक्षाएँ। सीसीयू से संबद्ध कॉलेजों में कांवड़ यात्रा के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब जो है ये परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम सीसीयू की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। कांवड़ यात्रा के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 से 27 जुलाई तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। इसमें एलएलबी और एलएलएम के अलावा एमए, एमएससी, एमकॉम, ओल्ड कोर्स, बीएससी एवं बीएससी होम साइंस आदि कोर्सों की परीक्षा थी। तो आज से ये परीक्षा फिर दोबारा से शुरू होने जा रही है। तो उनका संशोधित जो परीक्षा कार्यक्रम है वो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन के बारे में कि सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ओपन है। यूजी क्लास में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आपने ट्वेल्थ किया है, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से हो, तो आप सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं कि चौधरी चंद विश्वविद्यालय कैंपस और संबंधित कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं कॉलेज का क्रम भरने में सावधानी बरते। छात्रों को जिस भी कॉलेज में प्रवेश लेना है उसे प्राथमिकता में सबसे पहले रखें। मेरिट के वक्त छात्रों की पहली पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पहली पसंद का कॉलेज नहीं मिलता फिर दूसरी और फिर उसके बाद तीसरी पसंद को वरीयता मिलेगी। पहली पसंद का कॉलेज मिलने पर छात्र छात्राओं को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर छात्रों को बाद की मेरिट में मौका नहीं मिलेगा। पहली प्राथमिकता छोड़ने वाले छात्रों को ओपन मेरिट में ही मौका मिल सकेगा। हालांकि शुरुआती मेरिट में दूसरी एवं तीसरी प्राथमिकता मिलने पर छात्रों के लिए पहली चॉइस आखिरी तक खुली रहेगी। आपको बता दूं अब तक सीसीएस यूनिवर्सिटी में 60,000 से भी ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। अगर आपने अभी सीबीएसई बोर्ड से ट्वेल्थ किया है या फिर यूपी बोर्ड से ट्वेल्थ किया है तो आप सीसीएसयू के पोर्टल पर जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। उसके साथ ही बात करते हैं माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की। आपको बता दूं एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि विषय विश्वविद्यालय से संबंध बीएड संस्थान महाविद्यालयों में बीएड प्रथम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने हेतु तिथि उपलब्ध कराने के संबंध में अवगत करना है कि 1 अगस्त 2022 बीएड प्रथम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा प्रस्तावित है। अतः समस्त 2022 बीएड संस्थान महाविद्यालय निम्नोक्त दिए गए तिथि समूह से प्राथमिकता के आधार पर 3 तिथि समूह का चयन कर तत्काल विश्वविद्यालय अधोहस्ताक्षरित को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि प्रयोगात्मक परीक्षा समय से संपन्न कराई जा सके। आपको बता दूं कि यहां पर आप देख सकते हैं 10 तिथि समूह दिए गए हैं और महाविद्यालय संस्थान को बताया गया है कि आप इनमें से अपनी इंस्टीट्यूट या महाविद्यालय के अकॉर्डिंग अपनी तिथि समूह को चुन करके हमें भेजें ताकि हम जो है परीक्षा कार्यक्रम बना सकें और जिससे कि यहां पर बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं कराई जा सके। तो आपको बता दूं कि 1 अगस्त से यहां पर आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा शुरू होकर 24 अगस्त तक आपकी परीक्षाएं समाप्त हो सकती है। ये महाविद्यालय इंस्टीट्यूट पर निर्धारित है कि आपके कौन सी तिथि के समूह आपकी परीक्षाएं कराएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।